हेलो एवरीवन तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज का जो लेक्चर है ये है थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पे पहला पार्ट अभी आपके सामने होगा यानी वेगनर्स लॉ इसमें जो सेकंड लॉ है वो है पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा तो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट वेगनर्स लॉ तो शुरू करते हैं वेगनर्स लॉ वेगनर्स लॉ जो है यहाँ पे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की दो थ्योरीज़ जो दी गई हैं उसमें पहली वेगनर्स लॉ है जो प्रोफेसर वेगनर ने दी यानी अडोल्फ वेगनर ने दी थी दूसरी पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है जो पिकॉक और वाइजमैन दो इकोनॉमिस्ट एकौन, ने दी थी तो आज के इस वीडियो में हम वेगनर्स लॉ की बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम पीकॉक वाइजमेन हाइपोथेसिस देखेंगे ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस का हमेशा मिलेगा कि वेग्नस लॉ क्या है और पीकॉक वाइज हाइपोथेसिस क्या है सो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर अलर्ट एंड मोर सिंसियर फॉर दिस वीडियो क्योंकि ये आपको जरूर काम आएगा तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स विगे वेग्नस लॉ Law, जैसे बताया गया जर्मन 1880. 1880 में कहा गया है लेकिन क्यों कहा गया है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसके रिजल्टेंट क्या होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी बढ़ेंगी

अब उससे जब रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो वो इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा तो उससे क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो यहाँ पे इसका मतलब ये है इजी वर्ड्स में कि जब इकोनॉमिक सेक्टर यानी जब पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा उसका एक्सपेंशन होगा या मॉडिफिकेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी तो ये चीज अडोल्फ वेगनर ने बताई फिर सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व उन्होंने अपनी कंट्री में किया उसके बाद ही जब इसको वहां पे टेस्ट कर लिया ऑब्जर्व कर लिया कि ये ऐसा फिनोमिना है तब ये दूसरी कंट्रीज में शेयर किया तो ही फर्स्ट ऑब्जर्व फॉर हिज ओन कंट्री देन अदर कंट्रीज नेक्स्ट दिस थे होल्ड दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस कॉन्स्टेंटली एज इनकम ग्रोथ एक्सपैंड ये समझने की जरूरत है इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम ग्रोथ एक्सपैंड का मतलब है इनकम का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता जाएगा चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है टैक्स लेवल्स बढ़ा दिए गए तो रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो जब ज्यादा पैसा आ रहा है तभी तो पैसा इकोनॉमी में लग पाएगा अगर हम चाह रहे हैं कि नई इंडस्ट्रीज सेटअप करें तो उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए तो वो रेवेन्यू जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका रिजल्टेंट या उसका रिजल्ट क्या होगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा सपोज आपके पास पहले दस हजार रुपए ठीक है थीके? तो आप जो है दस ही हजार रुपए तक का तो खर्च कर सकते हैं आपको जो शौक है आप चाहेंगे दस हजार रुपए में आप एक मोबाइल भी ले लें कपड़े भी ले लें जो भी शौक है वो तक लिमिटेड लिम, है फिर क्या हुआ आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है आपकी इनकम बढ़ गई दस हजार से पचास हजार हो गई तो अब आप क्या करेंगे ज्यादा पैसा अपने खर्चों पर लगाएंगे इन द सेम वे दिस विद द इकोनमी दैट विद एन इंक्रीज इन द इकोनॉमी इंक्रीज इन द इनकम लेवल यानी जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दट यू नीड टू नो दिसम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दो पहले हम दोनों वर्ड्स को समझते हैं वेलफेयर स्टेट क्या होती है कोई भी स्टेट जो काम करे फॉर देलबींग ऑफ द पीपल द स्टेट दैट वर्क और एम्स एट बिल्डिंग और सपोर्टिंग देलबींग ऑफ द पीपल फॉर द वेलफेयर वो होती है वेलफेयर स्टेट अब फ्री मार्केट कैपिटलिज्म क्या होता है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म होता है कि जहां पर सारे डिसीजंस जो होते हैं वो डिमांड और सप्लाई को दिमाग में रख के लिए जाते हैं वे ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन डिमांड एंड सप्लाई अलोंग विद द मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब वहां पे जो तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो मिनिमम होता है या नहीं भी होता है ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ऑल द द आर टेकन टेकिंग डिमांड एंड सप्लाई विद मिनिमम और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट यानी सारे जो निर्णय होते हैं वो डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के लिए जाते हैं वहां पे थोड़ा सा सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है तो ये दिस इज ऑल अबाउट वेगनेस लॉ नेक्स्ट

वजह क्या होती है जस्ट फॉर सेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वहां पे जैसे कोई गांव है कोई पुराना एकदम पिछड़ा सा एरिया है वहां पे क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वहां पे क्या होगा कि वो दूसरी जगह जाना चाहेंगे वो शहर की तरफ मूव कर देंगे तो कहते हैं अर्बनाइजेशन तो जब अर्बनाइजेशन होगा सपोज एक जगह की पॉपुलेशन जो है वहां पे नौकरियां जो है वो इतनी है कि पांच लोग काम कर सके अब क्या हुआ सौ लोग और आ गए तो उन सौ लोगों के लिए अब नौकरी तो क्रिएट करना पड़ेगी क्रिएट क्या करना पड़ेगी या तो नई इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगी नहीं तो क्या हो जाएगा नहीं तो उन्हीं इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे दिया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा अब आता है देखो नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम बता रहे थे अर्बनाइजेशन का कि इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा लोग आ गए अभी हमने देखा शहर में जगह थी 500 लोगों की नाउ 100 मोर हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम एरिया यानी उस शहर में 100 लोग और आ गए तब क्या होगा इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ कैपेसिटी ऑफ़ 500 पीपल यानी जो उसमें सिर्फ पांच सौ लोग ही काम कर सकते हैं तो यानी उन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा दिया जाएगा या न्यू इंडस्ट्रीज विल भी सेटअप क्यों कर दिया जाएगा क्योंकि मोर पीपल ज्यादा लोग आ गए तो इस वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा ही फिर आते हैं पॉपुलेशन Population population is one of 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 the the most important factor that requires huge expenditure. India country 60 to 65 of the population comprises of youth. आपने सुना होगा युवा भारत, युवा भारत कहा जा रहा है क्योंकि 100 प्रतिशत में से 60 से 65 प्रतिशत जो है वो हमारे यहाँ युवा जनसंख्या है तो जब इतने लोग हैं तो जब यंग पॉपुलेशन होती है तो इसका मतलब है दे हैव मोर पोटेंशियल have मोर टू uh, वर्क वो ज्यादा काम कर सकते हैं उनमें इतनी हिम्मत है वो काम कर सकते हैं तो जब ज्यादा काम करने वाले लोग हैं तो हमको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी तो डेवलप करना है उनके लिए नौकरियां भी तो बनाना है तो इसीलिए पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोल फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है पहली चीज इसलिए हमें नौकरियां ज्यादा चाहिए दूसरी चीज उन उस पॉपुलेशन में भी जो परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है तो इसलिए हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है क्योंकि दे हैव मोर पोटेंशियल टू 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 वर्क है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनमी तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमें जरूरत है पब्लिक एक्सपेंडिचर की अब आता है सप्लाई पब्लिक एक्सपेंडिचर में जब सप्लाई की बात होती है तो इसका एक मेन फैक्टर आता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब हम कोई कमोडिटी यानी इंडियन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर दूसरी कंट्रीज में हम भेजते हैं तो क्या होता है ऐसी परिस्थिति में ऐसी कंडीशन में वी रिक्वायर ह्यूज अमाउंट हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि वी आर सेंडिंग समथिंग टू अ न्यू कंट्री टू अ न्यू प्लेस सो वी हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना है उसमें ज्यादा पैसा लगाना है तो इसीलिए इस वजह से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर की जरूरत है तो गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है इतना हम लोग जो रेवेन्यू जो भी देते हैं जो टैक्सेस देते हैं एवरीबॉडी नोज टैक्स इज अंपल कंट्रीब्यूशन व्हिच इज गिवन टू कंट्री जो कंट्री में दिया जाता है क्यों फॉर मेंटेनेंस ऑफ द नेशन यानी देश के लिए उसमें जो पैसा लगाया जाएगा वो कहीं ना कहीं लोगों के ही काम आता है तो इसमें वेगनर ने समझाया है कि मेनली गोल है उसे तीन भागों में डिवाइड किया गया सबसे पहली चीज बताई गई है टू तो प्रोवाइड सोशल सर्विसेज एज एजुकेशन हेल्थ एक्सेट्रा यानी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो रेवेन्यू उनके पास आ रहा है यानी टैक्सेस के फॉर्म में फीस लाइसेंस फीस पेनल्टी और चीज जिस भी तरीके से आ रहा है वो पैसा उनको सोशल सर्विसेज में लगाना है यानी ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लोगों को पहुंचे ज्यादा स्कूल सेटअप करना है हेल्थ के लिए और हाइजीन के लिए काम करना है इससे कोई मतलब नहीं अमीर है कौन गरीब है बिकॉज दे आर लिविंग इन आर कंट्री और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सबको ये सेवाएं जो सोशल सर्विसेज है ये लोगों तक पहुंचे तो पहली चीज ये हो गई दूसरी टू तो प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स पे अटैक का मतलब ये नहीं है कि कुछ आक्रमण होगा लेकिन बाय बाय मेंटेनिंग लॉ लॉ एंड एंड ऑर्डर ऑर्डर अरेंजिंग प्रॉपर प्रॉपर डिफेंस डिफेंस फैसिलिटीज ये जरूरत है एक देश में अर्थव्यवस्था में सख्त कानून होना चाहिए ताकि बाहर की कोई भी पावर हम पे अटैक ना कर सके क्योंकि वहां लोगों के लोगों की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है क्योंकि लोग उसी का हिस्सा हैं तो इसीलिए टू तो प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स लास्ट जो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई टू प्रोट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी क्योंकि यहाँ पर जो मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्शन से ही हो रहा है कि वस्तुएं बन रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यानी उत्पादन और वितरण हो रहा है तो जब लोग वो कमोडिटीज वो गुड्स खरीद रहे हैं तो वो पैसा पे कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली दैट मनी इज ऑलरेडी गोइंग इन टू द इकोनॉमी वो इकोनॉमी के रेवेन्यू में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है तो गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बन रही है वो क्वालिटी वाइज भी बेहतर हो क्योंकि लोग उसके लिए पे कर रहे हैं और उनको उसका रिजल्ट एंड आउटपुट बेहतर ही मिलना चाहिए तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करना इंटरनल एक्सटर्नल अटैक से बचाना यानी लो एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन करना और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना या प्रमोट करना Ab, says, the of than the जो इनकम इलास्टिसिटी मतलब बताया गया है कि जो इनकम में चेंज आता है इनकम है, है दे इनकम जेनरेट्स रेवेन्यू यानी जो इनकम में चेंज आता है वो उससे ज्यादा तेज होता है जो सर्विसेज में चेंज है जो गवर्नमेंट सेवाएं प्रदान कर रही है वो ज्यादा सेवाएं प्रदान कर रही है यानी सपोज अगर इनकम में चेंज आ रहा है दस परसेंट तो जो सेवाएं प्रदान की जा रही है वो चालीस की प्रतिशत की जा रही है सपोज अ चेंज इन द इनकम

Tek, aap isko Koi doubt ho, you feel free to contact feel free to write in the comment box and if you have understood the entire concept you have liked the concept and you have cleared all your doubts then like and subscribe and share it with your friends till then take care stay happy keep learning and keep smiling i'll be back very soon with another lecture on peacock Wiseman hypothesis take care everyone